नमस्कार दोस्तों, सतीश कुमार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गणित का एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ, वह है गुणनखंड। और इसके आधार पर ढेर सारे प्रश्न नवीं, दसवीं और आठवीं में भी पूछे जाते हैं। तो गुणनखंड का मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। हमारे इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छ, इस टाइप का यदि सवाल हमारे पास आए और बोले इसको बनाओ, इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए मिले, तो हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें कुछ ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में ये द्विघात बहुपद होता है। दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना करते हैं, यानी छः को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, तो ये हुआ छः एक्स स्क्वायर। ये पहला काम इसमें हमको करना पड़ता है। दूसरा काम, आप बीच में जो देख रहे हैं एक्स, आपको छः का एक ऐसा टुकड़ा तैयार करना है जिसको या तो जोड़े या घटाए, दोनों में से किसी प्रक्रिया द्वारा आपको ये बीच वाला प्राप्त करना है। सिंपल तरीका से देखिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता हूँ, आपको सिंपल प्रोसेस से बता देना चाहता हूँ कि आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो हमारा आया छः एक्स स्क्वायर, छः को एक्स स्क्वायर से किए तो छः एक्स स्क्वायर आया। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, यानी माइनस छः एक्स स्क्वायर हमारा पूरा इसका मान आता है, ए और सी का मान। अब देख लीजिए दोस्तों, जब ये एक्स स्क्वायर और सिक्स माइनस सिक्स का हम जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस छः एक्स स्क्वायर हुआ। अब इस छः को हम एक टुकड़ा करेंगे, जैसे दो तिया छः, तो देखते हैं तीन और दो का हमारे पास टुकड़ा तैयार हो गया। ये रफ कर रहे हैं बगल में, इसको बनाने, ये तीन भाग में है, इसको हमको दो पेयर में करना है, दो जोड़ा तैयार करना है। तीन और दो का टुकड़ा हमको प्राप्त हुआ, गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस दोनों को मतलब इसका खंड किए तो तीन और दो प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, तीन में से यदि दो को घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा। एक्स का मतलब एक एक्स होता है, जिसको एक को हम लिखते नहीं हैं, यानी तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा। इसमें लगाओ एक्स, इसमें लगाओ एक्स, यानी तीन एक्स में से दो एक्स जाएगा तो एक एक्स बचेगा। अब यहाँ प्लस में बचना चाहिए, यानी बड़ा वाला क्या है, प्लस है, छोटा वाला माइनस, ठीक है। यानी प्लस का प्लस वाला जो भाग है वो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मान ज़्यादा वाला आया है। अब एक्स स्क्वायर के बदले में हम ये दो चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो माइनस छ। अब देखिए, तीन आंकड़े को हम चार आंकड़े में, सॉरी दो एक्स होगा, दो इसको हम दो पेयर में अलग कर लिए हैं। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स गुना एक्स है, इसमें तीन एक्स, तीन गुना एक्स है, एक्स तो दोनों में है, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया एक एक्स। एक्स स्क्वायर है तो दो को एक्स, एक्स गुना एक्स है तो एक एक्स तो हम कॉमन में ले लिए तो बचा एक एक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन एक्स में से एक्स निकल गया, बचा तीन। अब चलिए इसमें माइनस दो, इसमें कॉमन होगा दो, क्यों माइनस दो कॉमन होगा, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो इसमें है और दो तिया छः, इसमें भी दो है छिपा हुआ, दो गुने तीन, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो माइनस दो कॉमन लिए तो बचा इसमें एक्स, ठीक। और माइनस कॉमन लिए थे ना, तो माइनस इसमें भी लेंगे कॉमन, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, दो तिया छः तीन।
यानी ये टुकड़ा प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुणनखंड जब हम बनाते हैं तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों समान होना चाहिए। समान हुआ इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है, यानी x प्लस तीन और x प्लस तीन समान आया तो x प्लस तीन, ये दोनों में से कोई एक लिख लीजिए और एक टुकड़ा x और इसको मिला करके बना लीजिए, यही हमारा गुणनखंड है। अब दसवीं में ऐसे ही सवाल पूछेंगे और बोलेंगे शून्यांक ज्ञात कीजिए, बराबर शून्य लगा करके इसका मान निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले गुणनखंड आएगा तभी तो हम शून्यांक निकाल पाएंगे, हमें तो गुणनखंड सीखना है। गुणनखंड हम सीख लेंगे तो शून्यांक तो आराम से निकाल सकते हैं, असली काम है गुणनखंड सीख लेना। अब देखिए ये पहला टाइप था, ये टाइप एक हम लोग देख रहे थे। टाइप दो में देखिए, अब दोस्तों दूसरा टाइप हमारे सामने में मौजूद है, 2x² - 7x + 6, ये दूसरा टाइप का सवाल हमारे पास में है। ये दूसरे टाइप का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहला काम जो हम बोले हैं करने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहला और तीसरा को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 12, इसमें प्लस है इसमें प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा, x² 12x² आया है। ठीक, और सपोज पिछले वाले सवाल में एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, रिमाइंड कर लिए, 3 में से 2 गया तो 1 बचा था ना, और गुना करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए, 3 × 6 x + 1x, यानी x × x, x² 6x², अब प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, गुणा करने पर यह होना चाहिए जोड़ या घटाव के बाद हमको बीच वाला प्राप्त होना चाहिए, ये नियम है इसका होता है। तो 12 का एक टुकड़ा कीजिए, 2 × 6 = 12, 6 और 2, इससे काम नहीं चलेगा, फिर 2 को 3 से कीजिए, 3 × 6, यानी 4 और 3 का टुकड़ा हमारे पास प्राप्त हुआ। ठीक, हमको 7 लाना है, इसको -7 में लाना, क्या करना है, -7 में जाना है। पहला और तीसरा को गुणा कीजिए और उसको गुणनखंड यानी लघुत्तम से तोड़िए और ऐसा टुकड़ा प्राप्त कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो। तो हम इसको 7 तो बना सकते हैं जोड़ करके, लेकिन -7 हमको प्राप्त करना है। तो -7 कैसे होगा, -7 जब होगा जब इसमें दोनों में एक्स लगा माइनस लगा रहेगा, यानी -4 और -3 दोनों ऋण होगा, फिर जा करके -7 होगा, -7 होगा, यानी अब देखिए हमारा टुकड़ा ये प्राप्त हुआ। ये दो टुकड़ा -7x के बदले में हम ये दो टुकड़ा को लिखेंगे, -4 - -3 - -7 होता है। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, ये जोड़ पर तो ये मिल गया, अब गुणा करके देखिए तो इतना होता है कि नहीं, 4 × 3 = 12 मिल गया, x × x, x² मिल गया, -× - यानी प्लस, यानी ये मिल जाना चाहिए। अब चलिए इसको, इस टुकड़ा को हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 2x², इसके बदले में लिखेंगे -4x, इसके बदले में लिखेंगे 3x + 6, यानी 3 इसमें देख रहे थे, ax² + bx + c के रूप में होता है, 3 आंकड़े को हम 4 में आए यानी 2 पेयर बनाए। अब इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या सब है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 2 पीस एक्स है तो इसमें 1 पीस एक्स है, यानी इसमें से 1 एक्स हम निकाल सकते हैं, यानी 2x हमारे पास कॉमन हुआ तो इसमें 1x बच गया, इसमें 2 × 4 = 2 बच गया, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 का कॉमन लिए घेर दीजिए, और 3 × 3 इसमें 1x बच गया, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 3 × 6 होता है। अब चलिए दोनों डब्बा दोनों जो कोष्ठ है ये दोनों कोष्ठ क्या हो गया, बराबर हो गया ना, x - 2 x - 2, यानी हमारा सवाल सही जा रहा है। अब जा करके इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए x - 2 और इसको मिला करके 1 बनाइए, यानी 2x - 3, ये हमारा गुणनखंड हो गया, ये दो टुकड़ा हमारा गुणनखंड तैयार हो गया। अब देखते हैं टाइप नंबर तीसरा, अब दोस्तों देखिए टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 देख रहे हैं, 2x² - 5x, -3, इसमें पहला काम जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ेगा, 2 और 3 को गुना कीजिए, 2 × 6 x² इसमें माइनस इसमें प्लस माइनस,
ठीक। अब छः का ऐसा टुकड़ा कीजिए जो इसमें पाँच माइनस पाँच लाना है, तो दो तीन का हमारे पास टुकड़ा आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पाँच होगा, अच्छी बात है। माइनस पाँच करना है तो दोनों माइनस लगा दीजिए, हो गया माइनस पाँच। अब यहाँ तक हम लोग सही है, दोनों को जोड़े। ये तीसरा जो टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से गौर से देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको नहीं आता है, आता है फिर भी, यदि आपको आता है तो फिर भी देखिए, क्योंकि कुछ मिल जाए, या आपके साथ जो हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ नया चीज़ आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए। चले चलते हैं सवाल पर। तो इसमें माइनस आ गया, माइनस आ गया, दोनों को तीन दो पाँच कर दिए, अच्छी बात है, यहाँ तक तो हम क्लियर हैं, दोनों को कर दिए। अब गुना करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तीन दूनी छः तो हो गया, एक्स को एक्स से गुना करिए एक्स स्क्वायर भी हो गया, लेकिन माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस है कहाँ, यहाँ तो माइनस है, हो गया ना, फंस गया ना मामला। इसलिए ऐसे सवाल को, अब इस सवाल को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें हम देख रहे हैं प्रॉब्लम हो गया, इस विधि से नहीं बनेगा, तीन दो टुकड़ा इसका नहीं होगा। तब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये तीन दो का टुकड़ा नहीं होगा। अब देखिए इसका टुकड़ा होगा क्या, यदि छः है और छः में से हम एक को घटा लेते हैं तो पाँच होगा कि नहीं। अब माइनस पाँच करना है तो ऋण आएगा, तो ऋण कब आएगा, जब ऋण ज़्यादा होगा तो ऋण को ज़्यादा किए, मतलब ज़्यादा वालों को ऋण में डाले, यानी ये प्लस में गया, इसमें एक्स गया, तो इसमें जब एक्स आए, एक एक्स तो हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ एक्स लिखते हैं, तो ये हुआ। अब देख लीजिए, छः एक्स माइनस छः एक्स प्लस एक्स बराबर माइनस पाँच एक्स, ये बिल्कुल सही है। अब इसको गुना कीजिए, छः को एक से गुना करेंगे छः एकान छः, और एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, यानी ये टुकड़ा अब इस सवाल को बनाने के लिए होगा। तो लिखिए दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस एक्स माइनस तीन, ये टुकड़ा हमारे साथ प्राप्त हुआ। अब देखिए ये दोनों में दो और छः में दो कॉमन है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें एक्स गुना एक्स यानी दो दो एक्स है, इसमें सिर्फ एक एक्स है, तो एक्स इसमें कॉमन गया, इसमें एक एक्स बच गया, इसमें छः दो या छः तीन बच गया, इसमें देखिए नहीं, इसमें कॉमन नहीं जा रहा है तो एक कॉमन गया, इसमें एक्स घटाओ तीन, ये टुकड़ा हमारे पास प्राप्त हुआ। अब चलिए, अब दोनों कोश हमारा बराबर हुआ, एक्स माइनस तीन एक्स माइनस तीन, ठीक है, तो एक्स माइनस तीन को दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ले लिए, और इसको मिला करके एक बना लेंगे, दो एक्स में प्लस एक, यानी ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट है। इस प्रकार हम गुणनखंड में तीन टाइप देखे, यदि आप इन तीनों टाइप को बढ़िया से पकड़ लेंगे तो दसवीं नवीं और आठवीं तीनों क्लास में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गुणनखंड आप आसानी से बना सकते हैं। और गुणनखंड बनाने के बाद यदि शून्यांक वाला सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप हंसते हंसते ऐसे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। बट यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, और शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वो है www.newsviralsk.com। इस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।